हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पालक ली है और पालक को मैंने यहाँ पर अच्छे से धो लिया है मिनिमम 2 से 3 बारी। यहाँ पर हम पालक को दोस्तों ब्लांच नहीं करने वाले, सीधा ऐसे ही पकाने वाले हैं। तो इसलिए मैंने धोने के बाद इसको स्ट्रेन करके छोड़ दिया है पंखे के नीचे, ताकि ये थोड़े से सूख जाए और मेरे को कटिंग करने में आसानी हो। जब तक पालक सूख रही है, तब तक आप यहाँ पर बाकी प्रिपरेशन तैयार कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है और उसको जितना फाइन हो सकता है ना, उतना फाइन मैंने यहाँ पर चॉप किया है, जितना भी फाइन आप कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर काफी सारी लहसुन ली है, 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ी सी अदरक भी ली है। अब मैंने यहाँ पर जानबूझ के दोस्तों इमाम दस्ते का इस्तेमाल किया है मोटर एंड पेस्टल का पेस्ट बनाने के लिए। आप चाहो तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट बाहर से खरीद के भी यूज कर सकते हो, नहीं तो ग्रेट भी कर सकते हो। लेकिन ऐसे इमाम दस्ते में कूटने का एक बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है, वो ये है कि आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको एक बढ़िया पेस्ट बना सकते हो। और जितने भी शेफ्स होते हैं उनको पता है कि पानी डालने से क्या होगा कि जब आप इसको पकाओगे ना अदरक लहसुन को, तो वो एकदम से जलेगा नहीं। मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। इन फटाफट से यहाँ पर टमाटर काटने हैं और मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी। मैंने यहाँ पर देसी टमाटर लिए हैं, उनकी रूट निकाल दी है और बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर दिया और ऐसे ही इनको पका दूंगा, बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, घबराना बिल्कुल भी मत। इतनी देर में आपकी बेसिक प्रिपरेशन में पालक भी थोड़ी सी सूख जाएगी और जितना फाइन हो सकता है ना, उतना फाइन मैंने यहाँ पर पालक को चॉप कर लिया है। देखो पालक भी पूरी सेट है। अगर एकदम फाइन ना भी हो पाए ना, तो भी घबराने की बात नहीं है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या बढ़िया सी पालक हो जाएगी बाद में। यही बेसिक प्रिपरेशन है, फटाफट से कुकिंग पर आते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच। और तेल जैसे ही गर्म हो जाए, सरसों का तेल है ना, तो उससे अच्छे से धुआं निकाला है मैंने। गरम गरम तेल में गैस को एकदम लो करके मैंने यहाँ पर सबसे बेसिक चीज डाली है, वो है जीरा। जीरे के साथ साथ थोड़ी सूखी लाल मिर्च भी डालना अगर आप इसको थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हैं। और अब आता है वो वाला पार्ट जो मैं आपको कह रहा था, बाद में बताता हूँ। मैंने बोला था ना अदरक लहसुन में पानी डाला है। अब ये देखो, इतने गरम गरम तेल में जब आप अदरक लहसुन डालोगे ना, तो पानी क्या करेगा कि जो अदरक है और जो मिर्ची है उसको जलने नहीं देगा। लहसुन जो है उसकी भुनाई में हेल्प भी करेगा कि जैसे जैसे पानी उड़ता जाएगा लहसुन भुनने लग जाएगा, लेकिन अदरक इतनी जल्दी भुनेगा नहीं, मतलब ब्राउन नहीं होगा और जलेगा नहीं और कड़वाहट नहीं आएगी, है ना बढ़िया दोस्तों। तो थोड़ा सा आप इसको पकाना अच्छे से और फिर यहाँ पर प्याज डाल देना। और मैं आपको हर रेसिपी में बोलता हूँ कि प्याज को आपने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ पर आपने अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन करना है। जैसे ही हल्का कलर आने लग जाए ना प्याज में, ये देखो आप, तो आप यहाँ पर पानी डाल देना फिर से। सच्ची बताता हूँ अभी क्यों। फिलहाल फटाफट से आप थोड़ा सा पानी डालना, मसाले डाल देना जैसे कि हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी टाइम पर मैंने यहाँ पर टमाटर भी डाल दिए हैं और बहुत जरूरी है कि आप इसी टाइम पर डालो। और टमाटरों को गलाने के लिए आपने यहाँ पर फटाफट से नमक तो डालना ही डालना है। अब आप मुझसे पूछ रहे थे कि पानी क्यों डाला था प्याज के साथ, तो बेसिकली लॉजिक ये था दोस्तों कि टमाटर कटे हुए नहीं है, पिसे हुए नहीं है, तो उनका पानी नहीं छोड़ा। जो हल्दी और मिर्ची है ना, वो जल जाएगी अगर पानी नहीं डालेंगे, तो इसलिए उस टाइम पर पानी डालना बहुत जरूरी है अगर आप टमाटरों को ऐसे ही पकाना चाहते हो। और साथ साथ आप यहाँ पर थोड़ा सा स्टर करके ढक्कन जरूर लगा देना, 1 से 2 मिनट आप पकाना, 60 सेकंड्स इनफ होंगे मीडियम फ्लेम पर। और टमाटर जो है वो बिल्कुल अपनी स्किन छोड़नी शुरू कर देते हैं। ऐसे पकाने का जो दोस्तों बेनिफिट है ना, वो ये है कि आप टमाटर का पूरा पेस्ट बना सकते हो। आपने सिर्फ एक चिमटे से पकड़कर टमाटर की स्किन निकाल देनी है। आपका रमचा है, उससे भी अगर आप हल्का सा ऐसे क्रश करोगे ना, तो स्किन ऐसे ही निकल कर आ जाती है टमाटर की। क्या होता है कि कोई भी पेस्ट में जो टमाटर की स्किन है वो कभी नहीं गलती। तो रेस्टोरेंट में तो इसको बार बार उबालने के बाद छाना जाता है, पीसने के बाद छाना जाता है कि जितने बीज हैं, स्किन है, वो सब निकल जाए। तो ये बहुत ही देसी तरीका है और ये देसी तरीका बहुत कारगर है दोस्तों। आप बस अपनी करछी से इसको ऐसे क्रश कर देना और बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। कह सकता है आपने मिक्सी का इस्तेमाल किया है नहीं किया। अब ये देखो, है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब बस आप इसको ढकना और इसको आपने तब तक पकाना है जब तक कि टमाटरों से तेल अलग नहीं हो जाता और बहुत ही बढ़िया पेस्ट नहीं बन जाता। और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, वैसे भी देसी टमाटर है, ये जल्दी ही पकते हैं। और ये आपके पालक पनीर का बेस बन के पूरा तैयार है। इसके साथ साथ इसी टाइम पर आप यहाँ पर काली मिर्च जरूर डाल देना, और मैंने थोड़ा धनिया पाउडर ज्यादा डाला है क्योंकि पालक में धनिया बहुत अच्छा लगता है। और फटाफट से इसको थोड़ा मिलाना, क्योंकि बाद में मिलाने का मौका नहीं मिलेगा और मसाले सही से पक नहीं पाएंगे।
तो इसको फटाफट से पहले मिलाना और फिर मिलाने के बाद आप यहाँ पर पालक के पत्ते डाल देना जो आपने काटे थे। और अब आता है सबसे ज़रूरी पॉइंट दोस्तों, पालक के पत्तों को डालने के बाद आप एकदम से उनको मिलाना बिल्कुल भी मत। कढ़ाई इतनी गर्म है, एकदम से आप मिलाओगे तो पालक को शॉक लगेगा, तो शॉक मत देना पालक को। ढकना, हल्की सी गैप छोड़ देना जिससे कि जो स्टीम है वो हल्की हल्की निकलती रहे। मैं आपको ढक्कन खोल के दिखाता हूँ और पालक थोड़ी देर में ही यहाँ पर ये देखो पानी छोड़ना शुरू कर देती है। 2 मिनट ही हुए हैं पालक को ऐसे पकते हुए और 2 मिनट में ही आपको काफ़ी पानी दिख जाएगा इस कढ़ाई में। और अब आता है मेन पॉइंट कि आप बिना मिक्सी के पालक पनीर बना रहे हो। अब सवाल ये है कि आप इसका पेस्ट कैसे बनाओगे, आप इसको टेक्सचर कैसे दोगे या वो स्वाद कैसे दोगे पालक पनीर का। अब दोस्तों मैंने इसको बिल्कुल देसी तरीके से बनाया है। जब बहुत टाइम पहले मिक्सियां नहीं होती थी घर पे तो या तो सिलबट्टे पे पीसते थे या मथानी से ऐसे आराम से आप इसको पेस्ट में बना सकते हो। जैसे ही पालक का पानी निकलने लग जाएगा ना, आप यहाँ पर मथानी से उसको क्रश कर दें। दोस्तों जब भी आप पालक बनाते हो ना, चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो पालक आलू हो, आप हमेशा ये कोशिश करा करो कि पालक को आप अच्छे से पकाओ। आप जब भी पालक बना रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आप ब्लांच करके सीधा उसको ठंडे पानी में रखोगे, मिक्सी में चलाओगे और ग्रेवी में डाल दोगे, बन गया पालक पनीर। ऐसा नहीं होता। पालक का अगर स्वाद आपको चाहिए तो पालक को भुनना बहुत जरूरी है। अभी देखो कितना मॉइस्चर है, धीरे धीरे करके हम ये सारा मॉइस्चर निकालेंगे और पालक से हल्का सा तेल ऊज आउट होगा, तब तक हमें पकाना है दोस्तों। अब मथानी से इसको बीच बीच में थोड़ा क्रश करते रहना ताकि पत्ते जो है जो सॉफ्ट वो गल जाए और थोड़े पेस्ट जैसे बन जाए। और इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए आप ढक्कन लगा देना, लेकिन उसको पूरा मत ढकना बिल्कुल भी। थोड़ा सा गैप जरूर छोड़ना स्टीम निकलने के लिए, पूरे ढककर वैसे भी नहीं पकाना चाहिए। 5-7 मिनट के अंदर अंदर ही आप ये देखो पालक के पत्ते और भी सॉफ्ट हो गए हैं और मैंने मथानी से इनको और भी क्रश कर दिया है। धीरे धीरे करके मतलब मुश्किल से मेरे ख्याल से इसमें 10 मिनट्स आपको लगेंगे, 10 मिनट में ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इतना कि पालक अच्छे से भुन जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी अच्छे से और एंड में और क्रश कर दिया। जितना जितना पानी गायब होता जाता है ना, उतनी ज़्यादा आप इसको क्रश कर पाओगे, बिल्कुल जैसे आप जब सरसों का साग बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल पेस्ट जैसा सा बन चुका है ये, है ना दोस्तों। अब बताओ मिक्सी की जरूरत थी नहीं ना। बात यह है कि टाइम भी उतना लगेगा, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से पालक पनीर बनाओगे तो टाइम भी उतना ही लगना है, लेकिन स्वाद जो इस पालक पनीर का आएगा वो बहुत ही अलग और बहुत ही बढ़िया आता है। खैर अब टाइम आ गया है मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट का। अच्छा मेरा सीक्रेट नहीं है, मेरी मम्मी के सीक्रेट इंग्रेडिएंट का, वो है 1 चम्मच गेहूं का आटा। बेसिकली बड़ी समझदारी की बात है, गेहूं का आटा डालने से ये थोड़ा सा इसमें स्टार्च आएगा, बाइंडिंग आएगी। मक्की का आटा भी आप डाल सकते हो, बेसन भी डाल सकते हो, लेकिन आप जो भी यहाँ पर डालना उसको अच्छे से भुनना जरूर पालक के साथ। थोड़ा सा चिपकने लगेगा लेकिन घबराना बिल्कुल भी मत। आप यहाँ पर फटाफट से भुनने के बाद दही डाल देना, सिर्फ 2 चम्मच है ये। पालक की कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर दही डाली है 2 चम्मच बस, और थोड़ा सा मॉइस्चर इंट्रोड्यूस करने के लिए, और पालक का रंग भी इससे निखर जाएगा। पालक की ग्रेवी बन के तैयार है, तो अब आपने यहाँ पर गरम गरम पानी डालना है। ध्यान रहे ठंडा पानी मत डालना, पालक का फ्लेवर एकदम से चेंज हो जाएगा। गरम गरम पानी यहाँ पर डालना, थोड़ी सी आपकी ग्रेवी सी बननी शुरू हो जाएगी और जो आटा हमने डाला है ना उससे आप देखना इसका टेक्स्चर बहुत बढ़िया आएगा। तो अब मैंने गैस को एकदम लो कर दिया है और एंड की चीज़ डाली है, वो है पनीर। मेरे को दोस्तों पालक पनीर में कच्चा पनीर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और वो जो पालक की जो ग्रेवी है ना उसको बहुत सपोर्ट करता है। आप चाहो तो आप फ्राई करके भी डाल सकते हो। और मैंने साथ साथ यहाँ पर गरम मसाला डाला है और कसूरी मेथी तो डालनी ही डालनी है क्योंकि मेथी पालक में बहुत अच्छी लगती है, सीरियसली। तो ये ज़रूर डालना आप। इसको ढक देना, पूरा नहीं, थोड़ा सा गैप रख के आप ढक देना। और आप चाहो तो एक तड़का भी मार सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। इसको लहसुनी बनाने के लिए या लहसुन का फ्लेवर इन्हांस करने के लिए तड़के पैन में मैंने बस थोड़ा सा घी डाला है, लहसुन डाला है, लहसुन को थोड़ा ब्राउन किया है अच्छे से, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जस्ट फॉर द कलर। बिल्कुल आप इसको ऊपर स्प्रिंकल कर देना। तड़का अगर आप डाल रहे हो तो फटाफट से तड़का डालने के बाद इसको ढक जरूर देना ताकि सारी खुशबू इंटैक्ट हो जाए। गैस को मैंने एकदम लो फ्लेम पर रखा है और 30 सेकेंड्स बाद ही आप इसको खोल लेना। एंड में बस दोस्तों मैंने धनिया डाला है एंड दैट्स इट दोस्तों।